आज एक प्रोग्राम बनाया था अपने दोस्तों के साथ घूमने का, हमारे जो अव्वल से लेकर टेंथ तक जो क्लास फेलोज थे। तो आज प्रोग्राम दो दिन था, बनाते हुए लोग जमा नहीं हो गए, तो आज मैंने ये फैसला कि घर घर जाऊंगा मैं हर एक के और इनको लेकर जाऊंगा। तो आज अभी तक दो दोस्त मिले हैं, अब हम तीसरे घर में जाएंगे और देखेंगे वो क्या कर रहे हैं। सारे तीसरे दोस्त यहाँ पे पता नहीं बच्चों के साथ खेल रहे हैं, इसको भी पता ही नहीं था कि आज प्रोग्राम है। अचानक हम इसको घर से उठाएंगे करेंगे। क्या बना जी, प्रोग्राम तो बढ़ गया भाई, प्रोग्राम तो बढ़ गया। हमारा आज का जो प्रोग्राम था, एक तो मोबाइल का सिग्नल नहीं है, अच्छा जी, इस वजह से सारे इकट्ठे नहीं हो गया। तो अभी इंशाल्लाह जुमे के दिन हमने जुमे को प्रोग्राम। तो आज हमारा जो दोस्त थे सारे जमा नहीं हो गए, कुछ काम था और सिग्नल भी नहीं था आज यहाँ पे, तो आज प्रोग्राम नहीं हो सका। नेक्स्ट दो दिन बाद इंशाल्लाह हमारा जो प्रोग्राम वो हो जाएगा। हमारा जो प्रोग्राम था वो बढ़ गया था आज, फिर हम जुमे के बाद से यहाँ पे मिले हैं, तो हमने अभी जाना है प्रोग्राम के लिए। तो क्या लेके जाएंगे भाजी भाई? ये ना हमारे चीफ साहब जी, तो क्या क्या चीजें यहाँ से लेके जाना है? कोई छोटा सा टी पार्टी रखेंगे, इसके लिए हम इधर से अभी देखते हैं, बोतल वगैरह, केक वगैरह, अच्छा जी, और जो भी पसंद आए इधर से उठा देंगे इंशाल्लाह। चलो जी, बोतल दुकान से मैंने तो यहाँ से जी दो बोतल दे दें जी आप, एक मरंडा और एक सेवन अप। सेवन अप करो इसका। तो सारे जो क्लास फेलोज थे वो पहुंच चुके हैं जुमे के बाद से, तकरीबन एक घंटे को जमा करने में लग गया। अभी सब यहाँ पे हैं, अभी दो यहाँ पे बंदे बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, तो कैसे हो जी? तो आज मुश्किल से हमारा प्रोग्राम बन गया। फोटो सेशन हो रहे हैं हमारे एक भाई, यहाँ पे चढ़ के ना फोटो बनाया है। ये देखो जी, सुपर 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 से भी ऊपर या फिर कुछ जो ना है बिस्कुट को लेकिन कोको खाता हूँ तब्दीली बज रही कौन से
इसको ले जाके हमने वहाँ पे बनाना है। ये हमारे शेफ साहब भी है, तो ये बनाएंगे हमारे वहाँ पे पार्टी। और हम इधर मेडिकल स्टोर में कुछ सामान लेने आए थे, दवाई लेने। यहाँ पे डॉक्टर साहब यहाँ पे नमाज पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे। कैसे बयान करेंगे आज के इस इवेंट को? आज के इस इवेंट को बहुत जबरदस्त हुआ। ये हमारे तमाम क्लास फेलोस जब इकट्ठे हुए, हमने सोचा नहीं था, लेकिन इत्तेफाकन ऐसा हुआ है। मगर ये सारे फौजी हजरत थे, फौजियों को छुट्टियां कम मिलती थी, मगर हमारे सोच थे यार हमारे दोस्त सारे इकट्ठे हो जाए, वही आज पूरा हुआ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मुझे बहुत खुशी हो गया कि ये हम सब एक दिन एक दफा इकट्ठे हो गया, जमा हो गया, तो ये मुझे बहुत बड़ी खुशी की बात है। जी अली भाई, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हम सारे दोस्तों को इधर इकट्ठा किया, एक पुरवकार लुत्फानंदोज एंजॉय वाला प्रोग्राम तो हो गया, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी रहमत तो सब मिस कर रहे हैं ना, मेरे ख्याल में हम सब ज्यादा आदि ने बता दिया ना सर, आदि ने बता दिया आप सब याद किया, अभी उसका याद करना भूल है। आप इस मौके पर क्या कहेंगे, अपने तासरात बयान करेंगे? माशाल्लाह बहुत अरसे बाद पुराने दोस्तों के साथ दोबारा मुलाकात हुआ, पुरानी यादें ताजा हो रहे। एक नंबर एक दोस्त जिसको छुट्टी नहीं मिला उसकी कमी महसूस कर रहे, रहमत हुसैन, शुक्रिया। Thank you.